दोस्तों, राजकुमार श्रीवास्तव फॉर्मर मुंबई पुलिस ऑफिसर की तरफ से आप सभी का फिर से राज ऑफ द लॉ चैनल पर स्वागत है। आपको पता ही है कि मैं इस चैनल के माध्यम से लोगों को फ्रॉड्स और क्राइम के विविध मोडस ऑपरेंडी से बचने की जानकारी देने का प्रयास करता हूं। आज मैंने एक ऐसे अटेम्प्टेड फ्रॉड के बारे में आपको जानकारी देना चाहता हूं जो मुझ पर फ्रॉडस्टर्स ने आजमाने की कोशिश की थी, पर इन फ्रॉडस्टरों से बातचीत करते समय मैंने कई सारे रेड फ्लैग्स नोटिस किए और फ्रॉडस्टर्स का ये प्रयास फेल हुआ। तो आइए और समझे कि ये रेड फ्लैग्स को कैसे पहचाने। सितंबर 30, 2021 के दिन दोपहर 4:15 पर हमने कुछ पुराने फर्नीचर बेचने के लिए OLX प्लेटफॉर्म पर एडवर्टाइज पोस्ट की थी। आपको विश्वास नहीं होगा कि एडवर्टाइज पोस्ट करने के तुरंत 5 मिनट में लगभग 8 से 10 लोगों ने एक के बाद एक मुझे और मेरे फैमिली मेंबर्स से संपर्क करना शुरू किया और कहने लगे उन्हें हमारा फर्नीचर खरीदने में इंटरेस्ट है, और सबने फर्नीचर खरीदने के लिए कुछ ना कुछ प्राइस ऑफर किया। एक ने तो व्हाट्सएप मैसेज द्वारा अपना परिचय आई एम OLX ऐसे दिया। इतनी सारी ऑफर्स एक के बाद एक आने की वजह से हमने सभी से सोचने के लिए थोड़ा सा समय मांगा, लेकिन फोन और मैसेज का सिलसिला चलता रहा। इंटरेस्टिंग बात यह थी कि किसी ने भी फर्नीचर के दाम कम करने की रिक्वेस्ट नहीं की, और यह एक बहुत बड़ी अजीब बात थी। मैंने ठीक से रिस्पांस ना देने की वजह से कुछ बायर्स ने फर्नीचर ज़्यादा दाम पर खरीदने की कोशिश की। मैंने एक बायर से पूछा वो कहाँ से बोल रहा है, तो उसने कहा कि वो मुंबई भिवंडी से बोल रहा है। मैंने उससे कहा वो मेरे घर अंधेरी ईस्ट में आकर फर्नीचर देखे और पसंद आए तो सही दाम देकर फर्नीचर पिकअप करें। पहले तो उसने कहा कि वो मेरे घर आएगा, तो मैंने उससे पूछा कि वो कितने समय में पहुंचेगा, तो उसने जवाब दिया वो आधे घंटे में पहुंचेगा। यह नोट करने वाली खास बात यह है कि भिवंडी से अंधेरी आप किसी भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल करोगे तो कम से कम 1.5 घंटे से पहले नहीं पहुंच पाएंगे, और ये महाशय आज तक मेरे घर पहुंच रहे हैं। फिर उसने मुझसे ट्रांजैक्शन चेक करने के लिए गूगल पे ऐप पर पहले 1 रुपया ट्रांसफ़र करने को कहा, तो मैंने उससे कहा कि बायर तो वो है तो उसने पैसा मुझे ट्रांसफ़र करना चाहिए, पर बार बार 1 रुपया ट्रांसफ़र करने की मिन्नतें करता रहा। और एक इम्पॉर्टेंट नोट करने वाली बात ये थी कि सब कॉलर्स का एक टिपिकल हिंदी एक्सेंट था जो इंडिकेट कर रहा था कि ये सभी लोग एक ही एरिया के हैं, और यह भी लग रहा था कि हमसे बात करते समय ये लोग एक दूसरे से इंस्ट्रक्शंस भी ले रहे थे। भरोसा जीतने के लिए इस गिरोह में एक महिला भी शामिल थी जो हमसे लगातार फर्नीचर खरीदने की बात कर रही थी और फर्नीचर का दाम बढ़ाने की ऑफर भी की थी। एक बंदा तो हर 2 मिनट में फ़ोन करके कह रहा था, तो मैंने आखिर उससे कहा कि ये जो तुम सब लोग मिलकर फ्रॉड कर रहे हो ना, ये मोडस ऑपरेंडी अब पुरानी हो चुकी है और जनता जान गई है इस खेल के बारे में। तो उस पर इस बंदे ने मुझसे कहा कि सर आप बताइए ना, खेल नया खेल कैसा खेला जाता है। मैंने उससे कहा कि लोग अपनी मजबूरी में सामान बेचते हैं और इस तरह से लोगों को ठगना कानूनी जुर्म है। फिर उसके बाद उसने अपना फ़ोन कट कर दिया। आश्चर्य और कोइंसिडेंस की बात ये थी कि इस कॉल के बाद किसी भी कॉलर ने ना ही फ़ोन किया ना ही मैसेज भेजा, जो इस बात को प्रतीत करता है कि ये कॉलर्स एक ही गैंग के मेंबर थे और साथ मिलकर फ्रॉड स्कीम ऑपरेट कर रहे थे। फिर हमने OLX को इन कॉलर के सस्पिशियस एक्टिविटी के बारे में रिपोर्ट किया।
और ओ एलेक्स ने भी इन पर एक्शन ली। तो दोस्तों, इस वीडियो द्वारा आज का मैसेज ये है कि इस तरह से किसी भी प्लेटफॉर्म पर डील करते समय सही प्रश्न पूछकर ड्यू डिलीजेंस करें। और अब समझ रहे हैं ना, जैसे कि इंग्लिश में कहा जाता है ट्राई टू रीड बिटवीन द लाइंस, एग्जैक्टली आपको इसी तरह से लोगों से बात करते समय और चैट करते समय करना है। जब तक आपका समाधान नहीं होता, फ्रॉडस्टरों से डील ना करें। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो आप अपने परिचित लोगों के साथ ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और फ्रॉड से बचने में मदद करें। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, थैंक यू।